नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। इस वक्त की हर खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर तैयारियों का लिया जायजा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी बैठक में रहे मौजूद। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र के 4 शहर मुंबई, नागपुर, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ 31 मार्च तक पूरी तरह से बंद। जनता कर्फ्यू वाले दिन रविवार को बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं। संघ लोक सेवा आयोग ने टाला सिविल सेवा परीक्षा का साक्षात्कार। संसद के दोनों सदनों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का किया समर्थन। राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित उपायों के साथ दिखाई एकजुटता। कोरोना को लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय की सांसदों के साथ बैठक। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा की मंजूरी। कानून बनने से संस्थानों को मिलेगी छात्रों को डिग्री डिप्लोमा देने का अधिकार। पीपीपी मॉडल के तहत चल रहे 5 आईआईटी संस्थानों को मिलेगा राष्ट्र महत्व का दर्जा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक में संशोधनों को भी सदन की मंजूरी। मध्य प्रदेश में शक्ति परीक्षण से पहले ही कमलनाथ ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष ने किया सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बीजेपी ने बताया सत्य की जीत। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर केंद्र सहित राज्य सरकारें और अन्य एजेंसियां युद्ध स्तर पर लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित करने के बाद आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ उनके राज्य के ताजा हालात पर चर्चा की और हालात से निपटने के लिए सभी एहतियाती उपाय करने को कहा। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारी तरफ से हर स्टेट को आदेश जारी किए जा चुके हैं। ये आदेश स्टेट को बताया गया है कि आपके पास जो भी रिक्वायर्ड लीगल पावर्स हैं, चाहे वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो, चाहे सीआरपीसी, चाहे आईपीसी, और उसके साथ ही किस रूप में आप समाज के सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलते हुए इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, उसके लिए जो भी निर्णयात्मक कदम उठाने जाने चाहिए, सबके सपोर्ट से, सबके सहकार से हम उसको कदम को उठाएं, ये चीज भी हमने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने आज कोरोना वायरस के मुद्दे पर संसद सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ताजा हालात की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत में अब तक कोरोना के 223 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इन लोगों के संपर्क में आने वाले 6700 लोगों को निगरानी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए केंद्रीय टीमों को भेजा है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी उपायों पर काम कर रही है। उन्होंने इससे बचाव के लिए लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी है। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन वैक्सीनेशन इस बीमारी की नहीं है, तो आज अगर हम अपनी प्रैक्टिसेस में कैसे हम सोशल डिस्टेंस रखें उस पर काम करें तो हम उसको ढंग से मैनेज कर पाएंगे। जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं,
वहां पर जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो तब तक या तो हॉस्पिटलाइजेशन या इलेक्टिव सर्जरीज को अगर हम कुछ समय तक के लिए स्थगित कर सकते हैं तो वह बहुत एक अच्छा प्रयास होगा। इससे दो तरीके से हमें फायदे होंगे, एक तो क्योंकि इन जगहों पर इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एक पेशेंट होता है जो सर्जरी के लिए जाता है वो ऑलरेडी काफ़ी वल्नरेबल होता है, तो हमें ये चाहिए कि उन जगह पर उन पेशेंट्स को वो इन्फेक्शन का खतरा जो है कम से कम हो, तो कम से कम उसे थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, जो हमारा स्टाफ है, जो आपको आज प्रयत्न करके मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उनको हम फ्री करके उनको यूटिलाइज करके अगर केसेस कभी बढ़ते हैं तो हम उनके सपोर्ट को उनको यूज कर पाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने के उपायों को लेकर आज हिंद प्रशांत के कई देशों की टेलीकॉन्फ्रेंस हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला इसमें शामिल हुए। बातचीत की शुरुआत अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टीफन बैगन ने की। इसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड और जापान के प्रतिनिधि शामिल हुए। विदेश सचिव श्रृंगला ने COVID-19 से मुकाबले के मामले में भारत की रणनीति से उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया, साथ ही पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया। हिंद प्रशांत के अन्य देश मिलकर इसके दुष्परिणामों और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर साप्ताहिक रूप से वार्ता जारी रखेंगे। इसके अलावा भारत के विदेश और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने चीन की पहल पर दक्षिण एशिया और यूरेशिया के 19 देशों के प्रतिनिधियों की अलग से बुलाए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया। उधर बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने भारत से चीन जाने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के अलावा कोरोना से संबंधित हेल्थ कार्ड लेकर जाने की हिदायत दी है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है। यहां अब तक कुल 52 मामले सामने आए हैं। इसके बाद सरकार ने 4 शहर मुंबई, MMR क्षेत्र, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नागपुर में सभी दफ्तर, अहम प्रतिष्ठान और बाजारों को 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया है। हालांकि मुंबई लोकल अस्पताल, पुलिस थाने और बैंक खुले रहेंगे। मेडिकल सेवाएं भी निर्बाध रूप से मुहैया कराई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रविवार को जनता कर्फ्यू के दिन बंद रहेगी। वहीं मेट्रो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्री मेट्रो का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही करें। वहीं मेट्रो में सबको एक सीट छोड़कर बैठना होगा। ये नियम आज से लागू हो गया है। कोरोना वायरस के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जानकारी दी है कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई सलाह के मुताबिक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान परिचालनों को अस्थायी रूप से 22 मार्च से 29 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,45,000 के करीब पहुंच चुकी है। इटली में अब तक सबसे ज्यादा मौत हुई है। इटली में 12 मार्च से ही लॉकडाउन है। पहले लॉकडाउन को 25 मार्च तक जारी रखे जाने की योजना थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। चीन ने वुहान शहर में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। चीन में अब तक 3,248 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि चीन में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 81,000 है, जो अब भी इटली से ज्यादा है। अमेरिका में जानलेवा कोरोना वायरस के तेजी से फैलने को लेकर चिंतित भारतीय अमेरिकी डॉक्टरों के एक प्रभावशाली समूह ने संघीय और राज्य सरकारों से शहरों और संस्थानों को पूरी तरह से बंद करने और लॉकडाउन का अनुरोध किया है। अमेरिका में संक्रमित मामलों की संख्या 14,299 है और 218 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के मामले सभी 50 राज्यों में दर्ज किए गए हैं।
ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1433 तक जा पहुंचा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में कोरोना काबू में नहीं है। गूगल ने भी अपने होम पेज को अपडेट किया है। यहां कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और सेफ रहने के लिए 5 टिप्स बताई गई हैं। गूगल के होम पेज पर एक स्पेशल अलर्ट बॉक्स ऐड किया गया है। ये बॉक्स गूगल सर्च बार के ठीक ऊपर है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कोरोना से जुड़ा मुद्दा उठाया गया। बीएसपी सांसद रितेश पांडे के कोरोना वायरस के परीक्षण पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भरोसा दिलाया कि साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की सलाह पर उन सभी लोगों का परीक्षण किया जा रहा है जिनमें कोरोना वायरस के मानकों के तहत लक्षण पाए गए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सामुदायिक संक्रमण की जाँच का जिक्र भी किया। There is a very well-defined protocol and scientific advice about who needs to be tested. And this is expert, as per the advice of the scientific experts that you see someone like, say, somebody has symptoms, he has a travel history, then all the symptomatic cases, then all the contacts. And you know, we have informed you earlier also, we are doing a very detailed contact tracing. Right now, the infection in this country, you see, it is traveling from one person to other. It has not yet gone into the community. Even for the community also, separately, the ICMR is doing tests for picking up people from the community to see whether there is any evidence of transmission in the community. So I can say with perfect and utmost confidence and authenticity that whatever tests we are doing on whom, they are with perfect scientific advice. So no one in this house should have any doubts about that. दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई सवाल पूछे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना वायरस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने बाहर से आने वालों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारत में रोजाना 1.5 करोड़ मास्क बनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही इनिशिएटिव लिया है और कल सारे राष्ट्र को संबोधित भी किया है। उसको देखते हुए हमने मायसेल्फ वन मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मैं भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक मेंबर के रूप में कोरोना वायरस के लिए देश में क्या क्या स्ट्रेटेजी बन रहे हैं या तो कार्ययोजना बन रही है उसके पर हम काम कर रहे हैं। सब पहले से ये 3 रास्ता है जो देश में ये वायरस विदेश से आ जाए, एक एयर रूट, एक सी रूट, तीसरा भूटान, बांग्लादेश और हमारे नेपाल जैसे देश की बॉर्डर हमारी है। सभी जगह पे सब कड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। सभी देश में इफेक्टेड कंट्री से कोई भी मरीज देश में आते हैं या तो कोई भी ट्रैवलर आते हैं उसको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है। वैसे ही सी रूट से मैं सर लुकिंग शिपिंग मिनिस्ट्री ऑल्सो सर शिपिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से हमने सारे पोर्ट पर इनिशिएटिव लिया है। कोई भी क्रू आए उसको क्वारंटाइन कंपलसरी किया है। पर डे 1.5 करोड़ मास्क बना सके इतनी हमारी कैपेसिटी है। उसका प्रोडक्शन भी ऑलरेडी शुरू हो गया। देश में मास्क की कमी नहीं है, देश में ग्लोव्स की भी कमी होने की संभावना नहीं है। सैनिटाइजर भी देश में देश की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध है और देश में ऐसी कोई भी स्थिति ना खड़ी हो कि देश में क्राइसिस हो उसको देखते हुए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। धन्यवाद। संसद के दोनों सदनों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन किया। राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित उपायों के साथ एकजुटता दिखाई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रविवार को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है और राज्यसभा उनके साथ है। आज दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। भारत ने सभी संभव उपाय किया है। कल देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता के साथ संवाद किया। भयभीत होने की कोई वजह नहीं बल्कि सावधानी बरतने की अपील कर उन्होंने जनता का विश्वास बढ़ाया। कोरोना के संकट से बचने के अनेक उपाय और कार्यक्रम उन्होंने बताए। रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। यह संसद सरकार के संकल्प के साथ है, सब मिलकर कोरोना संकट दूर करेंगे, यह विश्वास प्रकट करती है।
और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस टपकते हुए नल को देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक सेकंड में पानी की दो बूंद गिरती है तो एक मिनट में हम पानी की 120 बूंदों को खो देंगे। इसका मतलब है कि हम लगभग 35 मिनट में एक लीटर पानी खो देंगे। हर बूंद है कीमती, पानी बचाइए। क्या राज्यसभा भंग हो सकती है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आमतौर पर इसके एक सदस्य का कार्यकाल 6 बरस का होता है। आपको अपनी सेहत को लेकर मिलते हैं कई सुझाव, लेकिन क्या सही क्या गलत जानना है मुश्किल। इसीलिए राज्यसभा टीवी लेकर आया है आयुष्मान भव। सही डॉक्टरों की सलाह, वो भी एक नहीं तीन तीन डॉक्टरों से पूछिए सवाल और जानिए जवाब एलोपैथी होम्योपैथी और आयुर्वेद में मौजूद इलाज का। तो देखना ना भूलिए शनिवार सुबह 11 बजे आयुष्मान भव, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। व्हाट इज कोविड-19? COVID-19 is the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus. This new virus and disease were unknown before the outbreak began in Wuhan, China in December 2019. हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर, देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का सुझाव किस समिति ने दिया था? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने केंद्रीय संविधान समिति बनाई थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने देश की भावी विधायिका की संरचना पर विचार कर द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का सुझाव दिया था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा से आज भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई। चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कानून बनने से संस्थानों को छात्रों को डिग्री डिप्लोमा देने का अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। विधेयक में देश में PPP मॉडल के तहत चल रहे 5 IIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का प्रावधान है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई सांसदों ने विधेयक पर अपने विचार और सुझाव रखे। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा हो चाहे स्कूली शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो और चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र की जो हमारे आयसर के क्षेत्र में, ये देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। फर्स्ट इज मशीन लर्निंग, सेकंड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड देन देयर इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड देन यू हैव टू आल्सो लर्न अबाउट डाटा स्ट्रक्चर। दीज आर एब्सोल्यूटली न्यू थिंग्स। So these latest things have to be taught in our TRIPLITs. आपकी विशेष कृपा बरसे और बिहार में
इस तरह के संस्थान और बढ़ाइए। आईआईटी खोला है, एक आईआईटी खोला है अभी अपने संस्थान पीपी मूड में आप लाने का काम कर रहे हैं, और भी खोलिए, वहां हो सकता है सर आबादी 11 करोड़ से अधिक है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन डेवलपिंग आवर हार्डवेयर वेर एवर द आईटी सेक्टर इज फ्लरिशिंग, वी आर गिविंग मोर फोकस ऑन द सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म एंड दैट इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट्स आर बींग इम्पोर्टेड एंड दैट इज द रीजन वाई वी हार्डली मैन्युफैक्चर कंप्यूटर्स एंड बट वी हैव बिकम वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ असेंबलिंग डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड प्रोड्यूसिंग इट एंड सेंडिंग इट टू द मार्केट। लोकसभा से आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 में राज्यसभा की ओर से सुझाव जो दिए गए उनके संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही विधेयक को संसद से मंजूरी मिल गई। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सदन में संशोधन पेश किया जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दी थी। विधेयक में संस्कृत के 3 मानद विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का प्रावधान है। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से विज्ञान के साथ संस्कृत का ज्ञान जुड़ेगा, इससे शोध और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। और बढ़ते हैं आगे। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में चल रही सियासी खींचतान का आज अंत हो गया। कमलनाथ ने आज फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अध्यक्ष ने विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। 15 साल से सत्ता से दूर रहने के बाद 15 महीने पहले मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार शुक्रवार को गिर गई। विधानसभा में शाम 5 बजे होने वाली शक्ति परीक्षण से पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दोपहर में राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 17 दिन चले सियासी घमासान के बाद जब शुक्रवार को कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आई तो ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस सरकार की विदाई पक्की हो गई है। लगभग 15 महीनों में मेरा प्रयास रहा कि हम प्रदेश को एक नई दिशा दें, प्रदेश की तस्वीर बदले। मेरे लगभग 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा विकास में विश्वास रखा। दरअसल कमलनाथ सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो गई थी जब लंबे वक्त से विधायकों के नाराज होने की खबरें आम हो गई थी। कांग्रेस की भीतरी खींचतान इस स्तर तक पहुंच गई थी कि नेता एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करने लगे थे। अब जबकि राज्य में कमलनाथ सरकार की विदाई हो चुकी है, ऐसे में सबकी नजरें भारतीय जनता पार्टी की तरफ है जो राज्य में सीटों के गणित के हिसाब से सरकार बना सकती है। बीजेपी ने राज्य में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस और कमलनाथ पर सवाल खड़े किए। स्थितियां मध्य प्रदेश की इतनी विस्फोटक हो गई कि कांग्रेस के मित्र इतने नाराज हो गए, प्रदेश की बदहाली देख के, दुरावस्था देख के। कमलनाथ जी तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके आसपास जो काम कर रहे थे श्री दिग्विजय सिंह जी, अब उनके कारण परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि ये सरकार गिर गई और 1.25 साल में जनता ने भी यह महसूस हुआ किया कि हमारा प्रदेश तबाह और बर्बाद हुआ है। कांग्रेस के सभी 22 बागियों के इस्तीफे स्वीकार होने के बाद ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि कमलनाथ फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक शरद कोल ने स्पीकर एनपी प्रजापति को अपना इस्तीफा सौंपा। स्पीकर ने शुक्रवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। हालांकि शरद कोल का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा वापस लेने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन स्पीकर एनपी प्रजापति ने कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है। ऐसे में राज्य में फिलहाल 205 सदस्य हैं। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 103 का है। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं जो कि बहुमत से ज्यादा हैं। शिवराज सिंह पहले ही अपने 106 विधायकों की परेड राज्यपाल के सामने करा चुके हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर कांग्रेस के पास 99 विधायकों का समर्थन है जो कि बहुमत के आंकड़े से 5 कम है।
2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 230 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं कांटे के मुकाबले में बीजेपी को 109 सीटें हासिल हुई थी, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें आई थी। इन तमाम सियासी गणित के बीच अब सबकी निगाहें बीजेपी की तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 का ड्राफ्ट जारी किया। इसे जल्द ही पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। मसौदे में मेक इन इंडिया के तहत देशी सामग्री और सॉफ्टवेयर के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रस्ताव है। साथ ही ऑफसेट के तहत उत्पाद निर्यात पर जोर दिया गया है। डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा इकाइयों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इस मसौदे में रक्षा उपकरणों के लीजिंग को पहली बार पेश किया गया है। इस मौके पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना का वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत पर दुनिया भर में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उन्होंने भारत की रक्षा खरीद पर इसके प्रभाव को खारिज कर दिया। ग्लोबल इकोनॉमी का तो इंपैक्ट तो हर कंट्री के ऊपर होगा, जितनी दुनिया में होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन हमारे प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो है कोई बहुत खास उसका असर नहीं पड़ने वाला है। तो शाम 7 बजे की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।